एक ऐसे स्कूल बस की तस्वीर सामने आई है जिसमें बस ड्राइवर शराब के नशे में स्टीयरिंग पर पड़ा हुआ है और बस में स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल बस है। शराब के नशे में ये ड्राइवर बस चला रहा था, तभी इसने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके बाद जब लोगों ने देखा तो ये ड्राइवर नशे में धुत स्टीयरिंग पर पड़ा हुआ मिला। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्राइवेट स्कूली बस में काफ़ी बच्चे सवार थे। ये मामला नवी मुंबई का है और नवी मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल की बस है ये, जहां ड्राइवर नशे की हालात में इस बस को चला रहा था। जानकारी के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बस ड्राइवर की शिकायत भी पुलिस को दे दी है। मगर सवाल उठता है कि जिस स्कूली बस में ये बच्चे सफ़र करते हैं, उस बस के ड्राइवर को पहले ही जांच परख कर क्यों नहीं रखा जाता है। शराब के नशे में जिस तरह से ये ड्राइवर बस चला रहा था, अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती और जानी नुकसान होता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता।